देखेंगे रोटी बनाना। रोटी बनाने के लिए बैचलर्स लोगों को सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये धामा। एक ऐसा डीप धामा लेना है जिसके अंदर आटा गूंदने में बहुत इजी रहता है और टाइम कंज्यूमिंग नहीं रहता है, सेव हो जाता है अपना टाइम। बैचलर्स के पास बहुत ज़्यादा बर्तन रखने की कोई गुंजाइश रहती नहीं है, फिर भी याला एक चीज़ रखें, ये बहुत सारे अलग अलग डिशेस के लिए अपने को काम आता है। अब आटे में थोड़ा सा नमक मिलाएंगे और इसके बाद इसको अच्छी तरीके से नमक और आटे को मिक्स कर लेंगे। अब चालू करते हैं आटा गूंदने की प्रोसेस। थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाना है, थोड़ा थोड़ा करके पानी मिलाएं और उस पानी को एब्जॉर्ब होने दें आटे में। पानी आटे में एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर थोड़ा सा पानी मिलाएं, ढेर सारा पानी मिला के आटा गीला, यानी गरीबी में आटा गीला वाली कहावत अपने को चरितार्थ नहीं करनी है। थोड़ा थोड़ा मिलाते जाएँ और सूखे आटे को उसके साथ में इस तरह से कंबाइंड होने दें, इस तरह से इसको कंबाइंड होने देना है। थोड़ा 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 आप इसको धीरे 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 करते जाएंगे तो आप देखेंगे ये इस तरह से एक मिक्सचर बनने लग जाएगा। और एक ये देखिए कितने अच्छे तरीके से ये बनते जा रहा है। अब इसमें ऐसे अपने को बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाना है, उसके बाद ऐसे राउंड लेना है, फिर वापस प्रेशर लगाना है, फिर राउंड लेना है, फिर रख के फिर प्रेशर लगाना है, फिर राउंड लेना है, अंटिल इट्स गॉट सॉफ्टन। इसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अब हमें चाहिए एक तवा जो कि लोहे का हो और मोटे तले का हो, थोड़ा सा मोटाई में हो, जिससे कि रोटी जले नहीं, चिपके नहीं, और लोहे का ही होना चाहिए, जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग होता है और हीट उसमें बनी रहती है। अब अगली प्रोसेस है आटे की लोई बनाने की। ऐसे एक बॉल तोड़ना है, इसे राउंड शेप देते जाना है, तब तक इसको गोल गोल घुमाते रहें हल्का सा प्रेशर देते हुए जब तक ये राउंड शेप में ना आ जाए। हल्का राउंड शेप में आने के बाद इसको इस तरह से आटे में मिक्स करना है। चारों तरफ आटा लग जाने के बाद इस तरह से बीच में सेंटर में प्रेशर देते हुए इसको ऐसे फैलाना है, हाथ से ऐसे फैलाते जाएं। फैलाने के बाद जब इतना फैल जाए फिर इसे वापस आटे में इस तरह से लपेट लें। अब बेलने की प्रोसेस, उसके लिए इस तरह से इसको लेना है, बीच में रखते हुए बेलन को और प्रेशर देना है चारों तरफ, जैसे ऐसे 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 देना है, एक तरफ से प्रेशर देते हुए और दूसरी तरफ से इसको हल्का हल्का सा अपने तरफ टर्न करते जाना है। देखें इस तरह से, जब रोटी चिपकने लगे तो उसमें थोड़ा सा आटा स्प्रिंकल करें, फिर उसे पलटें, दूसरी तरफ भी स्प्रिंकल करें, फिर इसको राउंड करें। अब इसे तवे के ऊपर डालना है, थोड़ा सा इसका आटा झाड़ लेंगे और तवे के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। फर्स्ट साइड जो डाला हुआ है उसे बहुत ज्यादा सेकना नहीं है, हल्का सा सेक के और इसे अब इसे पलटेंगे। हल्का सेक गया है, अब इसे पलट लेंगे। पलट लेने के बाद इसको बार बार शिफ्ट करते जाएंगे जिससे कि सब जगह एक जैसा हीट लगे। ये प्रोसेस हो जाने के बाद तवे को हटा के और इसे डायरेक्ट गैस पर रखेंगे। ये देखें किस तरह से रोटी फूलती हुई आई है। एक साइड से प्रेशर करते हुए दूसरे साइड से इसको राउंड राउंड घुमाना है।
फर्स्ट टाइम पे गैस फुल पे रहेगा, अब इसे पलटें और गैस को स्लो कर लें और अब इसे घुमा घुमा के सेकते जाएं। गैस फुल पे और ये रोटी कंप्लीट। अब बस रोटियों पे घी लगा के दे आर रेडी टू ईट एंड सर्व ऑल्सो। थैंक्स फ्रेंड।